सिरमौर जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बारिश की वजह से लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। शिलाई के कांटी मशुआ के रिठोग गांव में वार्ड नंबर 2 की एक महिला के घर का एक हिस्सा बारिश के कारण आई मिट्टी में दब गया। घर के पास बारिश में बड़ी मात्रा में मलबा आ गया, जिससे नारायणी देवी पत्नी उदय राम की रसोई में मलबा घुस गया, जिससे रसोई और रसोई में रखा सामान पूरी तरह से नष्ट हो गया। बरसाती मलबा मकान के कमरों में भी घुस गया। इस दौरान अन्य ग्रामीणों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया और महिला के मकान और किचन से मलबा हटाया। हालांकि ग्रामीणों ने मकान में घुसा मलबा हटा दिया है, लेकिन मकान के पीछे मलबा आने का खतरा लगातार बना हुआ है। मकान के पीछे जहां से मलबा आया है, वहां गांव का मुख्य रास्ता भी था, ये रास्ता भी टूटकर खत्म हो गया है। नमस्कार, ये मामला ग्राम पंचायत कांटे मशुआ वार्ड नंबर 2 ग्राम रिठोग नारायणी देवी के मकान का मामला है। ये भारी बारिश के कारण जो है यहाँ पर फ्लैड हो चुका है। भारी बारिश के कारण जो यहाँ पे मकान था, ये सामने आप लोगों को दिख रहा है इधर, ये बारिश के कारण यहाँ पर जो मेन रास्ता था ग्राम रिठोग वासियों, जावला वासियों, बराड वासियों को जोड़ने का मेन रास्ता गिर चुका है। आदमी के आने के जाने का रास्ता था, पशु के रास्ता था। ये ऊपर को मकान है, यहाँ से नीचे ये सारी दीवार आ चुकी है। तो इसकी सूचना पटवार सर्कल ग्राम बड़वास को भी दी गई है, और मैं गुजारिश करना चाहूँगा वह ग्राम पंचायत प्रधान कांटी मशुआ जी से भी कि वो आए और मौके का जायजा लें। इनके लिए जो भी मुआवजा है, जो भी कुछ सरकार से सहायता हो सकती है नारायणी देवी जी के परिवार के लिए, यहाँ पर इनको भारी नुकसान हो गया है। जो यहाँ परिवार रहता था वो दूसरे घर में शिफ्ट किया गया है। तो मैं आप लोगों से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि जितना इस वीडियो को शेयर कर सके उतना शेयर कीजिए, जाके इन गरीब परिवार को इनकी सहायता मिल सके, मदद मिल सके। कल ग्रामवासियों की सहायता से यहाँ पर जो पूरा लेंटर जो है पूरा भर चुका था, इनके ग्रामवासियों की सहायता से यहाँ पर खाली किया गया, थोड़े आने जाने की व्यवस्था की गई है। तो मैं सरकार से भी गुजारिश करना चाहूँगा और ग्राम पंचायत प्रधान से भी गुजारिश करना चाहूँगा, पटवारी जी से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि इनको जो है आर्थिक सहायता दी जाए, जिससे नारायणी देवी अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर रखे और पीछे की सुरक्षा दीवार का प्रावधान कर सके। तो ग्रामीणों ने इस संबंध में स्थानीय पटवारी को जानकारी दी है और नारायणी देवी को उचित मुआवजे की मांग की जा रही है। साथ ही ये भी मांग की जा रही है कि बारिश के कारण टूटते हिस्से को जल्द रिपेयर किया जाए, ताकि अन्य मकानों को खतरा कम हो सके। जी, ये घटना सुबह 7 बजे की है, जिससे कि मतलब भारी बारिश के कारण ये मलबा मकान के ऊपर गिरा है और यह मकान के लिए काफ़ी नुकसान हुआ है। जबकि एक किचन भी दब चुकी है और क्या नाम के काफ़ी जो नुकसान यहाँ पे हुआ है। परिवार को यहाँ से दूसरे जगह पे शिफ्ट कर दिया गया है और क्या नाम के फिर भी ये बहुत ही खतरे की निशानी पे मकान है। काफ़ी कुछ गांव के लोगों ने यहाँ पे सहयोग किया और मकान को के ऊपर जो भी मलबा था उसको साफ करवाया है, लेकिन फिर भी मतलब इस मकान को काफ़ी कुछ नुकसान आगे भी है। और कम से कम यहाँ पे किचन की जिससे 1 लाख से। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिलाई से रवि तोमर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।